So we started with the elements and their atomic masses. For the atomic masses, I gave you one rule that where the elements, they are having the atomic number even. Okay, you have to multiply their atomic number with 2. And for the odd elements, you have to multiply their atomic number by 2 and you have to add 1. Exceptions मैंने आपको 1717 की कराई थी, उसमें 2 और add कर लो, 1, 4, 7, 17 and 18. 1, 4, 7, 17 and 18. Now इसको भी learn करने की जरूरत नहीं है आपको ज्यादा, क्योंकि जब आप elements लिखने शुरू करोगे, बोलिए सीरीज, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आगे 15 तक बोल लिया आपने, बाकी फॉस्फोरस, सल्फर, चलिए 1 की छोड़ देनी हमने, देन वी विल बी लीविंग फॉर 4, 1, 2, 3, 4, बेरिलियम का छोड़ देना है, राइट, देन देयर इज एक्सेप्शन फॉर 7, दैट इज नाइट्रोजन, देन देयर इज एक्सेप्शन फॉर 17 एंड 18, हीलियम का नंबर 2, 2, 2 जा 4, लिथियम का उसको 7 कर लो, हाइड्रोजन का मैंने आपको 1 बताया था बेटा. नाउ यू कैन सी हियर द नंबर्स 1, 4, 7, यहाँ पर भी जो आपकी सीरीज है वो किससे स्टार्ट हो रही है, 1, 4, 7, ठीक है, हो गया क्लियर, यहाँ पर भी आपने 1, 4, 7 लिखा है, उधर भी आपकी जो सीरीज है जो आपने एक्सेप्शन में काउंट करनी, बेटा वेयर योर मास्क, जो आपने एक्सेप्शन में काउंट करनी है, दैट इज ऑल्सो 1, 4 एंड 7. बेरिलियम, बेरिलियम का बेटा 8 है, उसको 9 कर लो, ठीक है, राइट इट एज 9, इसको भी हमने एक्सेप्शन में काउंट करना है, 4 को, 1 के बाद 4 की एक्सेप्शन थी ना, 8 है उसको 9 कर लो एक्सेप्शन वाला. बोरोन का 4, 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
अब ये देखो, आपने अपनी सीरीज स्टार्ट की है 147 से, आपने लिख दिया 147, 7, 9, 11 तीनों ऑड नंबर्स इकट्ठे इकट्ठे, 12, 14 and 16 तीनों ऑड नंबर इकट्ठे इकट्ठे, इवन नंबर, ठीक है, 147, 7, 9, 11 तीनों ऑड इकट्ठे हैं, 7 के बाद 9 है, 9 के बाद 11 है, 12, 14 and 16 तीनों इवन इकट्ठे इकट्ठे, ठीक है। उसके बाद हाँ मासेस में ही है ये वाला, हम मासेस में बता रहे हैं एक्सेप्शन, हाँ ये एटॉमिक नंबर्स में, ये नंबर्स की एक्सेप्शन है, मतलब ये वाले एटॉमिक नंबर्स जो है वो आपने एक्सक्लूड करके बताने, ओके। फ्लोरीन
नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, 28 और 9, 14 है, 15, 10, 10, राइट आर्गन 40, then 39, then 40. मतलब कैल्शियम का और आर्गन का मास सेम है. ओके, द मास ऑफ कैल्शियम एंड मास ऑफ आर्गन इज सेम, 35.5. हां जी बेटा, एनी डाउट? मैं बोलती हूँ लिखो. हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम 4, लिथियम 7, बेरिलियम 9, बोरोन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19 है, नियॉन 20, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, आर्गन 40, पोटेशियम 39 एंड कैल्शियम 40. ठीक है, लिख लिया सबने? आर्गन भी 40 है, कैल्शियम भी 40 है. 1, 4, 7, 17 and 18, ये नंबर याद रखने. आपकी सीरीज भी इन्हीं नंबर से स्टार्ट होगी, एटॉमिक मास की 1, 4, 7. 35.5 क्लोरीन, आर्गन इज 40. तो अब तक हमने उस चार्ट के लिए एक तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स लिखे हैं, उनके एटॉमिक नंबर्स लिखे हैं और उनके एटॉमिक मासेस. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अभी हमने बहुत मॉडिफिकेशंस करनी है चार्ट में. ठीक है, तो चार्ट जब हमारा फाइनली रेडी हो जाएगा सारा, फिर हम आपको लिखवाएंगे फेयर कॉपी. ओके, इसमें कोई डाउट बेटा किसी को? यू कैन आस्क. इज दिस क्लियर? चलिए नेक्स्ट करें. So last time we discussed about the two laws. One is the law of mass of conservation and the second is law of definite proportions. Okay, now in this context we will be doing a theory that is called as Dalton atomic theory, that is for the atoms. So your question is, what do you mean by Dalton atomic theory? Or write the postulates of Dalton atomic theory. Write the postulates of Dalton atomic theory. Likh le. Silicon, phosphorus, sulfur, chlorine. Argon, potassium, calcium. हाँ जी, लिख लिया? व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी? नाउ दिस थ्योरी, इट इज रिगार्डिंग द एक्सप्लेनेशन फॉर द एटम्स. ठीक है, अभी तक हम पढ़ के आए हैं मैटर. फर्स्ट चैप्टर में आप मैटर्स के बारे में पढ़ के आए हो, आपको पता है एटम्स क्या है. ठीक है, अब इस थ्योरी ने एक्चुअली कंपाउंड्स की फॉर्मेशन को और जो ये दो लॉज हैं इनकी इनसाइट नॉलेज को लेके कुछ पोस्टुलेट्स फॉर्म किए हैं, दैट वी विल बी स्टडिंग इन दिस थ्योरी. ठीक है, अब इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं कुछ, एट पोस्टुलेट्स हैं. पोस्टुलेट मींस जो उसके फिगर्स आए हैं, उसने क्या क्या चीजें दी हैं इस थ्योरी में.
ठीक है, क्या क्या उसके पॉइंट्स हैं थ्योरीज के, वो हम स्टडी करेंगे। ओके, नाउ क्या क्या उसने पॉइंट्स दिए हैं। सबसे पहले उसने यही कहा है कि जो भी मैटर है, एवरी मैटर इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एटम। ये सबसे बेसिक जो हर एक थ्योरी का मेन पोस्टुलेट होता है रिगार्डिंग द एटम, दैट इज दिस, दैट ऑल द मैटर्स दे कंसिस्ट ऑफ द स्मॉल एंड द सिंपलेस्ट पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ओके, तो थ्योरी ने कहा है मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ओके, क्लियर, ये पॉइंट क्लियर है। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द सेकंड पॉइंट द थ्योरी सेज अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक्स एटम आर टाइनी, बहुत छोटे हैं, इनडिविजिबल, जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर। इनडिविजिबल का मतलब क्या है, दे कांट बी ब्रोकन फर्दर। And indestructible. What do you mean by indestructible? They can't be destructible. Destroy नहीं कर सकते आप। Destructible का मतलब है आप destroy नहीं कर सकते। तो ये आपको कौन से law की याद दिलाता है? Conservation of mass. Atoms are tiny, indivisible and indestructible particles. The third postulate, write down the law of conservation of mass. Atoms can neither be created nor be destroyed. In any chemical reaction. So this is your law of conservation of mass. तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो बॉक्सेस में क्वेश्चन है वहां पर ये क्वेश्चन है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कौन सा पॉस्टुलेट जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये वाला जो पावर पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट राइट डाउन, से If I am taking some balls, yellow yellow color की balls आती हैं आपकी, मैंने वो ले ली हैं और मैंने वो सारी balls जो हैं वो एक bag में डाल दी हैं, ठीक है? अब मेरे लिए वो सारी balls जो हैं वो एक जैसी हैं। क्यों एक जैसी हैं? क्योंकि सबका color same है, सबकी shape same है, सबका size same है, सबका mass same है। ऐसे ही atoms हैं। अगर मैं कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट के एटम्स लेती हूँ, जैसे मैंने ऑक्सीजन का ले लिया, नाइट्रोजन के ले लिए, इफ आई एम टेकिंग ऑल द एटम्स ऑफ वन पर्टिकुलर एलिमेंट, तो वो सारे जो एटम्स हैं वो अपनी सारी प्रॉपर्टीज में सेम होंगे। जैसे आप बॉल के लिए प्रॉपर्टीज बता रहे हो कि उनका कलर सेम होगा, उनका शेप सेम होगी, साइज सेम होगा, वेट सेम होगा, तो ऐसे ही जब मैं सेम सेम एलिमेंट्स के एटम्स लूंगी, दे विल बी सेम इन ऑल द रिस्पेक्ट्स। Is this point clear? ठीक है, so write down, atoms of same elements are identical in all respects. Atoms of same elements are identical in all respects. Like same mass, size and chemical properties. Like same mass, size and chemical properties. Postulates बहुत बहुत important है बेटा, ठीक है?
केमिकल प्रॉपर्टीज। ये तो बात कर ली हमने सेम वालों की, ठीक है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स, दे आर सेम इन ऑल द रिस्पेक्ट्स, लाइक मास सेम है, साइज सेम है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। व्हाट अबाउट डिफरेंट एलिमेंट्स? दे विल बी डिफरेंट। अगर मैं दो अलग अलग शेप्स की बॉल्स ले रही हूँ तो आई कैन डिफरेंशिएट कि ये वाली बॉल है और ये वाली बॉल है। ओके, सो इसी पॉइंट को हमने लिख लेना है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। हाँ, नेक्स्ट पॉस्टुलेट है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, सॉरी बेटा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, atoms of different elements are different in mass, size and chemical properties, in mass, size and chemical properties. Very good. हाँ जी, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। पॉस्टुलेट क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद हमने दो पॉइंट्स जो हैं वो नेक्स्ट लॉ के लिए लिखने हैं, दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। उससे पहले हम लॉ जो है वो रिकॉल कर लेते हैं। हाँ जी, लास्ट सेकंड एक्स, स्टैंड अप बेटा। व्हाट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन? व्हाट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन? फिर अब क्या करें? हाँ जी, इधर से कौन बताएगा? बैठिए, कंबाइन टुगेदर। सो व्हाट द लॉ सेज, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इट सेज दैट व्हेनेवर यू आर गोइंग टू फॉर्म अ कंपाउंड, द एलिमेंट्स दैट आर कंबाइनिंग, दे विल बी कंबाइनिंग इन अ फिक्स्ड रेशियो आइदर बाय मास और बाय नंबर। ओके, so this is the same postulate that we are going to write in the Dalton atomic theory. during chemical combination so same hai law, usko thoda sa alag form mein likh diya, baki sari cheeze same hai. During chemical combination, atoms of different elements combine together in a fixed ratio fixed ratio by mass or by number to form compounds. Okay, combine in a fixed ratio by mass or by number to form compounds. अब इसी के साथ का एक पॉइंट है, इफ यू वॉन्ट टू एड, ठीक है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम, नेक्स्ट पॉइंट है, बट मीनिंग सेम कन्वे कर रहा है, बट पॉइंट अलग है। The relative number and kinds of atom, the relative number and kind of atoms are constant. The relative number and kind of atom are constant in a given compound. हाँ जी, meaning same है कि number और जो उसकी रेशियोज हैं, ठीक है, और जो उसके काइंड ऑफ एटम्स हैं वो सेम रहेंगे हर एक कंपाउंड में। अगेन, आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा लॉ जो है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को सिंबलाइज करता है, तो आप ये दोनों में से कोई भी पॉइंट इंक्लूड कर सकते हो। ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज बिट डिफरेंट, तो उसको समझते हैं पहले, क्योंकि पहले जो तीन लॉ थे वो हम करके आए हैं, तो मैंने आपको एज इट इज करवा दिए हैं। अब सुनो, जो लास्ट लॉ है दैट इज अबाउट चेंज्ड वन। मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं, वन इज हाइड्रोजन एंड वन इज ऑक्सीजन। ओके,
आई एम हैविंग एटम्स ऑफ दीज टू एलिमेंट्स, वन एलिमेंट इज हाइड्रोजन एंड द अदर एलिमेंट इज ऑक्सीजन. बेटा सामने देखो, अब इनको यूज करके आई कैन फॉर्म वॉटर ऑल्सो. यही दोनों सेम हैं एलिमेंट्स, और मैं इनको यूज करके H2O2 भी बना सकती हूँ, दैट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड. बताया मैंने आपको, राइट? एलिमेंट सेम है दोनों में, बट अगर हम इनकी रेशियो स्टडी करें तो दैट इज 2:61:1. अगर मैं इसमें इसकी रेशियो स्टडी करूं तो 2:32:1. ओके, नाउ इट इज पॉसिबल दैट इफ वी टेक टू सिमिलर एटम्स इन बोथ द कंपाउंड्स, और यू कैन से दो बोथ द कंपाउंड्स दे कैन हैव द सिमिलर एटम्स बट देयर रेशियो इज डिफरेंट. ओके, हम किसी भी कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए दो अलग अलग एलिमेंट्स ले सकते हैं. जैसे यहाँ पर है ये एलिमेंट, इसमें भी सेम यूज हो रहे हैं, ये वाले ही एलिमेंट्स जो है वो सेम इसमें भी यूज हो रहे हैं, बट दोनों ने जो कंपाउंड फॉर्म किया है वो अलग अलग किया है और उनकी जो रेशियोज आई हैं वो अलग अलग है. सो दिस इज द पॉइंट. नाउ राइट डाउन, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, हाँ जी ये लास्ट पॉइंट है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स कैन कंबाइन, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स कैन कंबाइन इन मोर देन वन रेशो, इन मोर देन वन रेशो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड. अब इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की भी एग्जांपल्स इंक्लूड कर सकते हो. हाँ जी, यू कैन इंक्लूड द एग्जांपल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आल्सो. कार्बन और ऑक्सीजन ही है दोनों में. ओके, एक में डाइऑक्साइड बना रहा है और एक में मोनोऑक्साइड बना रहा है. ओके, इज दिस पॉइंट क्लियर? पोस्टुलेट्स क्लियर हैं? एनी डाउट? हाँ जी बेटा क्लियर है? हाँ जी, और नहीं है अभी कुछ? क्लियर है? अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस थ्योरी. ये थ्योरी फेल कहाँ हुई, क्या लगता है आपको कहाँ फेल हुई होगी ये थ्योरी? सबसे पहला पोस्टुलेट ही यही जो उसने कहा है कि एटम डिवाइड नहीं हो सकता है, बट एक्चुअली एटम इज डिविजिबल, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो दिस इज द मेन पॉइंट और द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, दैट एटम इज डिविजिबल. We can divide the atom into subatomic particles. Okay, subatomic यानी कि atom के भी अंदर वाले जो particles हैं. Okay, so the subatomic particles we can include now. We can नहीं लिखना, atoms are divisible. Their subatomic particles are कौन कौन से इनके subatomic particles? Very good. इलेक्ट्रॉन्स, हाँ जी, हाँ जी. व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी? सो द ड्रॉबैक्स आर एटम इज डिविजिबल बट अकॉर्डिंग टू द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इट इज इनडिविजिबल. ठीक है,